नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे आज हम बात करेंगे उनके प्लेइंग 11 को लेकर के। दोस्तों ये प्लेइंग 11 पंजाब के लिए कहीं ना कहीं फाइनल प्लेइंग 11 हो सकता है, जहां पे आपको ये सारे खिलाड़ी हमेशा के लिए IPL में खेलते हुए नज़र आएंगे इस सीज़न में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि KL राहुल किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं इस प्लेइंग 11 में, और कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलता है प्लेइंग 11 में खेलने के लिए IPL 21 में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप पंजाब किंग्स के KL राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं IPL 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और IPL 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके ID का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए, ताकि जो टारगेट है इस वीडियो का वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों आप भी कमेंट करके बताते रहिए पंजाब की टीम के लिए क्या होगा सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, जो कि पंजाब के लिए काफ़ी अच्छा माने जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप सभी के लिए कमाल की फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जिसका नाम है My11 Circle। इस ऐप की खासियत ये है दोस्तों कि आपको चैंपियंस यानी कि राशिद खान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यही नहीं, आप इनके साथ हेड टू हेड भी जो है इस ऐप के द्वारा खेल सकते हैं। तो सिंपली आपको पिकअप करने हैं अपने 11 खिलाड़ी। अगर आपने राशिद खान की टीम को बीट कर दिया तो आपको मिलेंगे 3 गुना ज़्यादा कैश कमाने का मौका। और जैसे कि आ रही है इंडिया और इंग्लैंड सीरीज, तो आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है लाखों नहीं करोड़ों जीतने का। और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आपने जो भी पैसे जीते रहेंगे आप उसको सिंपली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, जल्दी से जा करके डाउनलोड कीजिए My11 Circle ऐप, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यही नहीं, आपको 1500 रुपया बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पे। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो में कि पंजाब किस तरीके से बना सकती है अपनी ड्रीम प्लेइंग 11, जो कि उनकी एकदम मजबूत और धाकड़ प्लेइंग 11 के रूप में सामने आने वाली है। तो दोस्तों बात करें पंजाब की टीम की, तो जो उनका ओपनिंग जोड़ी रहेगा वो काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर पंजाब की टीम को सबसे मजबूत और धाकड़ और तेज तरार अगर ओपनिंग मिलती है, तो आगे के आने वाले बैट्समैन उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं और पंजाब की टीम हर मैच में एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो अब दोस्तों ओपनिंग जोड़ी में अगर हम बात करें, तो पंजाब की टीम को टारगेट करना चाहिए KL राहुल और क्रिस गेल को। इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी पंजाब की टीम के लिए कहीं ना कहीं एक विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी के रूप में साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब की टीम की, तो क्रिस गेल ने IPL 2020 में कुल खेले थे 7 मैच, जहाँ पे उन्होंने 288 रन बनाए थे। वहीं अगर बात करें उनके स्ट्राइक रेट की, तो वो रही थी 137 के ऊपर की। लेकिन अगर बात करें एवरेज रन, तो उनका रहा था 41.14 का। वहीं पर उनका जो सबसे हाईएस्ट रन रहा था वो रहा था 99 रन, और जहां पे वो बैड लक के कारण 1 रन नहीं बना पाए और हो गए आउट। लेकिन अगर बात करें पंजाब की टीम की, तो क्रिस गेल ने कुल खेले हैं 31 इनिंग, जहाँ पर इन्होंने रन बनाए हैं कुल 1146 रन 40 के एवरेज से। तो ऐसे माना जा रहा है कि क्रिस गेल पंजाब की टीम के लिए ओपनिंग के लिए ही बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर क्रिस गेल ओपनिंग करते हैं पंजाब की टीम के लिए और अगर 6 ओवर टिक जाते हैं, तो फिर उनको उसके बाद आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन साबित होता है। तो क्रिस गेल जो है ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं KL राहुल के साथ। वहीं अगर बात करें 3 नंबर पर, तो हमको नज़र आएंगे मयंक अग्रवाल, जो कि ओपनिंग कर चुके हैं KL राहुल के साथ में। मयंक अग्रवाल भी एक उसी शैली के बल्लेबाज हैं, इनको ओपनिंग अगर करा जाए तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर बात करें 3 नंबर के लिए, तो पंजाब की टीम को एक स्टेबिलिटी वाली शुरुआत दे सकते हैं मयंक अग्रवाल। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो 4 नंबर के लिए निकोलस पुरन कहीं ना कहीं जो है पंजाब के लिए एकदम बेस्ट विकल्प साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए हैं अपने पिछले साल मैचों में, अगर हम बात करें T10 लीग को लेकर के, और भी सारे अगर हम बात करें BBL के मैचों में, तो काफ़ी इनका जो परफॉर्मेंस है सराहनीय रहा है। तो ऐसे में पंजाब की टीम के लिए निकोलस पुरन ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली है 4 नंबर पे आ करके, और पंजाब की टीम इनको इस ऑर्डर पे किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। तो पंजाब की टीम चाहेगी कि जो निकोलस पुरन है वो 4 नंबर पे बने रहें। अब बात करें, तो पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई रहने वाली है वो रहेगी 5, 6 और 7 नंबर के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि ये है पंजाब का मिडिल ऑर्डर, जो कि 2020 में काफ़ी कमज़ोर माना गया था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल किसी भी तरीके से फॉर्म में नहीं थे।
तो ऐसे में पंजाब की टीम ने ढेर सारे जो है बैट्समैन खरीदे हैं। अगर बात करें डेविड मलन और शाहरुख खान के रूप में, उसके बाद अगर बात करें तो पंजाब की टीम के पास मौजूद हैं प्रभसिमरन सिंह, मनदीप सिंह, दीपक हुड्डा, ये सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं दमखम रखते हैं तेज तरार इनिंग खेलने के लिए और पंजाब को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें पंजाब की टीम पाँच नंबर पर देखना चाहेगी शाहरुख खान को। शाहरुख खान जो कि एक डोमेस्टिक प्लेयर हैं और अगर बात करें इनके फॉर्म की तो काफ़ी अच्छा इनका फॉर्म चल रहा है। हाल ही में इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 68 पारी खेली थी जिसके बदौलत इनकी टीम जीती थी और मैच जिताऊ पारी के रूप में साबित हुई थी इनकी ये इनिंग्स। तो पंजाब की टीम जो शाहरुख खान को खिलाना चाहेगी, वहीं अगर बात करें इनके विकल्प में तो पंजाब की टीम देख सकती है प्रभसिमरन सिंह को, जिन्होंने जो है हाल ही में 68 पारी खेली है और काफ़ी अच्छे तेज तरार बल्लेबाज ये माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने IPL भी इसमें प्रदर्शन तो किया था लेकिन पंजाब के लिए उतना संतुष्टि वाला प्रदर्शन निकल के सामने नहीं आया था, क्योंकि माना जा रहा था कि प्रभसिमरन सिंह को IPL का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर इन्हें आगे मौके दिए जाते हैं तो पंजाब की टीम के लिए काफ़ी अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। दोस्तों आपका क्या कहना है पाँच नंबर के बल्लेबाजों के लिए, पंजाब की टीम किसको मौका दे, प्रभसिमरन सिंह को या फिर शाहरुख खान को? उसके बाद अगर बात करें तो छः नंबर पर दीपक हुड्डा तो किसी भी प्लेइंग 11 में बने रहेंगे, क्योंकि अगर बात करें दीपक हुड्डा की तो ये तो बल्लेबाजी करते ही करते हैं, साथ में पंजाब की टीम को गेंदबाजी का भी जो है अच्छा खासा विकल्प देने वाले हैं। तो गेंदबाज के रूप में पंजाब की टीम के दीपक हुड्डा एक छठे विकल्प के रूप में साबित हो सकते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब की टीम दीपक हुड्डा को खिलाती है या नहीं खिलाती, या फिर वो विदेशी ऑलराउंडर के रूप में जाती है। अगर हम बात करें मॉइजेस एनरिकेस, फेबियन एलन, झाई रिचर्डसन के पास, अगर बात करें सात नंबर पर तो पंजाब की टीम खिलाना चाहेगी झाई रिचर्डसन को, जिनको पंजाब की टीम ने खरीदा है 14 करोड़ के बड़े राशि में। और अगर पंजाब ने इन्हें खरीदा है तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें IPL का हर मैच जो है पंजाब खिलाना चाहेगी। और सात नंबर के लिए झाई रिचर्डसन एक अच्छे विकल्प साबित होंगे, क्योंकि झाई रिचर्डसन एक फुल टाइम गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो वहाँ पर देखना होगा सात नंबर के लिए पंजाब की टीम किसको टारगेट करती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तो पंजाब की तरफ से जो लीड करते हुए गेंदबाज रहेंगे वो रहेंगे मोहम्मद शमी, जो कि एक पेस अटैक के रूप में साबित होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट में तो दोनों इनके स्पिन गेंदबाज यहां पर खेलने वाले हैं, मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई, क्योंकि इनकी जोड़ी है काफ़ी अच्छा कमाल कर सकती है पंजाब की टीम के लिए। और रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस हमें IPL 20 में तो याद है ही किस तरीके से ये गेंदबाजी करते हैं, और हाल ही में इनका जो प्रदर्शन आया है निकल के विजय ट्रॉफी में, जहां पर इन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं और इनकी जो इकोनॉमी रही है 5.5 की रही है, और वनडे मैचों में ये इकोनॉमी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे में रवि बिश्नोई का जो परफॉर्मेंस है एक संतुष्टि वाला परफॉर्मेंस हो सकता है और पंजाब की टीम के लिए मुरुगन अश्विन के साथ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इस प्लेइंग 11 में। अब दोस्तों उसके बाद बात करें पंजाब की टीम के लिए पेस अटैक में, एक एक्स्ट्रा पेस के रूप में साबित होने वाले हैं रायली मेरेडिथ, जो कि पंजाब के प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे। रायली मेरेडिथ की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मूल के ये गेंदबाज हैं और इनके गेंदबाजी में पेस काफ़ी अच्छा रहता है, 140 के ऊपर जो है इनका पेस आता है, और पंजाब की टीम को कुछ इसी तरीके की शैली के गेंदबाजों की ज़रूरत है। तो अगर पंजाब की टीम में रायली मेरेडिथ आ जाते हैं तो उनके आने से एक गेंदबाजी डिपार्टमेंट में धार और मजबूती पैदा करेंगे रायली मेरेडिथ। और वहीं अगर बात करें कि चार ओवरसीज प्लेयर कौन कौन से बनेंगे पंजाब टीम के लिए जो कि प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो ऊपर के दो बल्लेबाज यानी कि क्रिस गेल, निकोलस पुरन, और अगर बात करें मिडिल ऑर्डर में झाई रिचर्डसन, और वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजी डिपार्टमेंट तो रायली मेरेडिथ जो लीड करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हो गए टॉप चार विदेशी खिलाड़ी। वहीं अगर बात करें फास्ट गेंदबाजी में तो पंजाब के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, झाई रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ और मोहम्मद शमी। स्पिन में अगर हम बात करें उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई, छठे गेंदबाज के रूप में साबित हो जाएंगे। अगर हम बात करें दीपक हुड्डा की और क्रिस गेल भी जो है ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं और इन्होंने IPL में गेंदबाजी भी की है, तो ऐसे पंजाब को कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 7 गेंदबाजी ऑप्शन मिलने वाला है, जिसका पंजाब की टीम जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहेगी अपने इस प्लेइंग 11 में। और अगर बात करें IPL 21 का जो खिताब जीतने का सपना है उनका, वो पूरा हो सकता है कहीं ना कहीं इस प्लेइंग 11 से। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन प्लेइंग 11 के बारे में, क्या ये प्लेइंग 11 सही है या नहीं सही है, और अगर नहीं सही है तो कहां पे जो है बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी जो है अपनी तरफ से प्लेइंग 11 जो है हमें कमेंट करके बताते रहिएगा कि पंजाब की जो है संभवता यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है IPL 21 के लिए आने वाले शुरुआती मैचों में।
दोस्तों आपके कमेंट का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।